Hello students, welcome back. So today we'll study about Roman numerals. आज हम Roman numerals की बात करते हैं. अब Roman numerals क्या है? हमारा जो decimal number system है, जो हम use करते हैं, उसमें क्या आते हैं? Digits आते हैं कौन से? 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. इन digits को use करके हम क्या करते हैं? हमारे जो नंबर्स हैं वो हम बनाते हैं. तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम रोज यूज करते हैं, लेकिन रोमन्स जो हैं वो अलग तरीके से नंबर्स यूज करते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रोमन न्यूमरल्स. हम इंडियंस जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम. और जो रोमन्स यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रोमन न्यूमरल्स. तो हमारे सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं. 0 से लेके 9 तक की 10 डिजिट्स हैं. लेकिन रोमन में वहां सिर्फ 7 सिंबल्स यूज किए जाते हैं. इन 7 सिंबल्स को यूज करके फिर वो नंबर्स लिखते हैं. तो वो 7 नंबर्स, 7 सिंबल्स कौन कौन से हैं? आई, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो हैं आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम. These are the 7 symbols. So Roman numerals, they are formed by using 7 symbols. I, V, X, L, C, D, M. अब इन symbols का क्या मतलब है? इनको numbers में कैसे use करते हैं? वो हम देखते हैं. सबसे पहले जो I है, I in Roman numeral is equal to 1. I जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1. V किसको रिप्रेजेंट करता है? 5. X रिप्रेजेंट्स 10. L रिप्रेजेंट्स 50. C रिप्रेजेंट्स 100. D रिप्रेजेंट्स 500. And M रिप्रेजेंट्स 1000. तो ये नंबर्स हैं, ये सिंबल्स हैं और इनकी वैल्यू है. I किसके इक्वल है? 1. V is 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500 and M is 1000. Okay, अब इनसे नंबर कैसे बनते हैं? क्योंकि ये तो 1, 5, 10, 50, 100, 1000 हैं, लेकिन बाकी के जो नंबर्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में देख ले. तो हमारे जो नंबर्स हैं 1 से लेके 20 तक, उसी का रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखे जाते हैं वो दिखाए गए हैं आपको यहां पे. वन कैसे लिखा गया? आई. वन जो लिखते हैं हम रोमन में कैसे लिखा जाएगा? आई के साथ. अब इस रोमन में कुछ रूल्स हैं नंबर लिखने के, वो मैं आपको बता दूं. 2 लिखना है तो हम क्या करेंगे? आई को 2 बार लिखेंगे. जब हम किसी सिंबल को 2 बार लिखते हैं तो इसका मतलब वो प्लस हो जाता है. एक आई का मतलब है 1. जब 2 बार हमने लिखा तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? ये 2. इसी तरह से 3 लिखने के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1 आई को हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? 3. अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सिंबल को हम सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते. जैसे 4 लिखने के लिए आई, आई, आई और आई, 4 टाइम्स हम नहीं लिख सकते इसको, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो 4 लिखने के लिए क्या करना है? 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? आई और वी, इन दोनों को कंबाइन किया. अब इसमें आप ये देखो कि I का मतलब क्या है? 1 और V का मतलब क्या है? 5. तो ये smaller value है, small symbol हो गया, I छोटा symbol हो गया और V क्या है? बड़ा symbol. तो छोटे symbol को जब हम बड़े symbol से पहले लिखते हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे. तो जब हम I V लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? V क्या है? 5 माइनस I क्या है? 1. तो 5 माइनस 1.
तो ये क्या बन गया 4। तो 4 कैसे लिखा जाएगा, आई वी। अब 5 के लिए तो हमारे पास सिंबल है उसमें V। अब बात आती है 6, तो जैसे हमने I को V से पहले लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस। और अगर हम I को V के बाद में लिखते हैं तो इसका मतलब है प्लस। छोटे सिंबल को बड़े से पहले लिखोगे तो क्या होगा, माइनस। और छोटे सिंबल को हम अगर बड़े के बाद में लिखते हैं तो क्या होगा, प्लस। तो ये क्या बन गया, जब हम V के बाद में I लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया 5 + 1 = 6। ठीक है, अब 7 लिखने के लिए क्या किया है, 5 I और I। तो छोटे सिंबल्स हैं, इनको हम बाद में लिख रहे हैं, और जब रिपीट करते हैं तो भी उसका क्या मतलब होता है, प्लस करने का। तो 5 V क्या है, 5 I 1, और फिर से I लिखा तो क्या बन गया 1, यानी 5 + 1 + 1। तो ये क्या बना, 7। इसी तरह से 8 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो V लिखा जिसका मतलब है 5, फिर 6, 7 और 8। 3 times हम किसको लिखेंगे, I को लिखेंगे। तो 3 times I लिखने का मतलब 3 हो गया, और V के बाद में लिखा है तो V यानी 5 + 1 + 1 + 1। तो ये क्या बना, 8। अब जब हम 9 लिखते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि छोटा सिंबल जब हम पहले लिखें बड़े सिंबल से तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस। और I को तो हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, 3 से 4 बार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए 9 के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 - 1। और 10 में के लिए सिंबल क्या होता है रोमन में, x। 10 के लिए सिंबल क्या है, x, और उसमें से माइनस 1 करना है तो 1 के लिए सिंबल क्या है, i। तो हम i को x से पहले लिखेंगे, तो ये हो गया 10 - 1 = 9। तो 9 के लिए क्या सिंबल आया, ix। उसके बाद 10 के लिए तो हमारे पास सिंबल है ऑलरेडी x। तो ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप आगे लिख सकते हो, 1 के लिए i एक बार, 2 के लिए i को 2 बार, 3 के लिए i को 3 बार लिखेंगे, और 4 के लिए हम क्या करेंगे, I को V से पहले लिखेंगे जिसका मतलब है 5 - 1। 5 के लिए हमारे पास सिंबल है 6, I को हम लिखेंगे V के बाद में जिसका मतलब क्या बनता है, 5 + 1। तो अगर हम पहले लिखते हैं तो -1, बाद में लिखेंगे तो +1। फिर 7, V +1 + 1, 2 बार हम +1 + 1 करेंगे यानी I प्लस I कर देंगे तो वो 7 हो गया। 8 के लिए V 5 है, फिर I + I + I यानी 1 + 1 + 1 3, 3 + V 5 = 8। अब 9 के लिए फिर वही हमारी कंडीशन रहेगी कि I को हम X से पहले लिखेंगे, क्योंकि V के आगे 4 times I नहीं लिख सकते, हम किसी सिंबल को 4 times नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम 10 में से 1 माइनस करेंगे, यानी x 10 के क्या है, x में से 1 माइनस किया 9। अब जो 11 है, 10 + 1 यानी 10x उसके आगे i, 12 10 + 2। ठीक है, तो 11 क्या हुआ, 10 + 1, 10 क्या है x और 1 क्या है i, तो xi, 12 10 + 2, x is 10 और 2 के लिए i 2 times, 13 10 + 3, so x then i 3 times। अब 14 होता है 10 + 4, तो 10 के लिए तो क्या हो गया, x, 10 के लिए क्या हुआ, x, और 4 हम कैसे लिखते हैं, I V, तो X I V।
इसी तरह से 15, 15 के लिए होता है 10 प्लस 5, तो x और v यानी 5, तो x v हो गया 15। फिर 16, 16 के लिए 10 प्लस 6, तो 10 के लिए x और 6 होता है vi, तो ये हो गया x v i। सेम वे 17, 10 प्लस 7, तो 10x then 7 v i i। 18, 10 प्लस 8, so x v i i i। 19, 10 प्लस 9, अब 10 हो गया x, और 9 कैसे लिखा जाता है, i x, तो ये x i x, it means 19। then comes 20, अब 20 के लिए हम क्या करेंगे, x को दो बार लिखेंगे, टू टाइम्स लिख दिया, यानी 10 प्लस 10। तो ये नंबर्स हैं 1 से लेके 20 तक, जिनको आपको रोमन में लिखना है। डू इट इन योर नोटबुक, ये आप नोटबुक में लिखोगे, और इसी के साथ योर एक्सरसाइज नंबर 3, द एक्सरसाइज विच यू हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो इनको आप फिल करोगे, अब कैसे करोगे, यहां नंबर्स जो है वो रोमन में है, एक्स वी, तो एक्स और वी, 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 क्या होता है 15, तो ये नंबर क्या है 15। देन एक्स वी आई, एक्स इज 10, वी इज 5, आई इज 1, सो 10 प्लस 5 प्लस 1, दिस इज 16। नाउ दिस इज 15 एंड दिस इज 16, तो 15 क्या है, स्मॉल है 16 से, तो हम इसमें से कौन सा सिंबल यूज करेंगे इन तीनों में से, स्मॉल देन, लेस देन का, और लेस देन का सिंबल होता है बी पार्ट, आई आई आई, दिस इज 3, हियर ऑल्सो आई आई आई, दिस इज ऑल्सो 3, सो 3 प्लस एंड 3 ऑन दिस साइड, तो 3 और 3 दोनों क्या होते हैं इक्वल, सो वी विल यूज द साइन ऑफ इक्वल। सिमिलरली कंप्लीट इट, द नेक्स्ट इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अब हमें असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉल टू बिग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, इनको स्मॉल से लेके बिग की तरफ हम लिखेंगे, तो इनमें से सबसे स्मॉल कौन सा है पहले आप वो आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई द नंबर विच इज स्मॉलर। नाउ x, x मींस 10, i x इज 9, x v इज 15, v i i i दिस इज 8, then x v i दिस इज 16, सो विच इज द स्मॉलेस्ट, अब इनमें से सबसे स्मॉल कौन सा है 8, सो यू विल फर्स्ट राइट v i i i, देन आफ्टर 8 व्हाट कम्स, 8 के बाद क्या आता है 9, देन यू हैव i x, नाउ 8 इज डन, 9 इज डन, आफ्टर 9 यू हैव 10, सो यू विल राइट x, then after x, after 10, what is there? अब 10 के बाद क्या है? What number will come out of these two? This is 15 and this is 16. So after 10 you have 15. So 10 x and v 15, and then at the last the biggest number x v I. So this is the biggest number. So this is the increasing order. Same way, complete the remaining three parts. We'll meet again. Till then, have a nice day. Thank you all. Jai Hind.